कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अन्नदाता 5 महीने से अपने हक की आवाज को मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जागती ही नहीं, किसानों की समस्या का समाधान निकालती ही नहीं। इसीलिए अब अन्नदाता भी उस राज्य में बीजेपी का घेराव कर रहे हैं जहां बीजेपी सरकार बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ी है। पूरे देश में किसानों का शोर गूंज गया, हक के लिए हुकूमत के सामने हल्ला बोल हो गया। सड़क से लेकर संसद तक अन्नदाताओं का मुद्दा उठ गया। बावजूद इसके मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई है। सरकार के इस अड़ियल रवैये का असर हरियाणा में बीजेपी पर पड़ रहा है, क्योंकि अन्नदाताओं ने अब सीएम खट्टर की घेराबंदी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ हरियाणा के किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 24 मई को हिसार कमिश्नरी का घेराव करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम सीएम का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सुबह 10 बजे सभी किसान क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। अन्नदाताओं की मांग है कि उन पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने अमानवीय तरीके से किसानों को रोका। इस घेराव के अलावा अन्नदाता 26 मई को काला दिवस भी मनाएंगे। दरअसल किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने पूरा होने और केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस दिन काले झंडे लगाने का फैसला किया है। अब किसान की इस हुंकार से साफ है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।